बंद के अहमदाबाद में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस रात करीब 1 बजे जौनपुर जंक्शन पहुंची, जहां पर डीएम दिनेश कुमार सिंह की देखरेख में स्वास्थ्य विभाग ने सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की और इसके बाद अलग अलग डिब्बों की 45 बसों द्वारा मजदूरों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाया गया। इसमें सबसे ज्यादा 162 मजदूर जौनपुर के थे, जिनको घरों तक पहुंचाने के लिए 6 बसें लगाई गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोले के अंदर यात्रियों को क्रम से उतारा गया और उसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उनको उनके जिले में जाने की संबंधित दे दी गई। इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में बिठाया गया। इस दौरान प्रशासन पूरी तरीके से सजग और चौकन्ना रहा, कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो इसकी विशेष सावधानी रखी गई। कोरोना जैसी महामारी से जहाँ पूरा देश जूझ रहा है, आपको बता दें कि अहमदाबाद से साबरमती ट्रेन आ चुकी है। किस तरह आप देख सकते हैं, यात्री बैठे हुए हैं और 1200 यात्री जनपद जौनपुर में उतारे जाएंगे और सभी को सभी के जिले बसों में बैठा कर थर्माकोलिंग स्क्रीनिंग से कहाँ तक भेजी जाएगी। आइए हमारे साथ बात करने के लिए यात्री हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह की असुविधा का मतलब हुई, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई सुविधा नहीं हुई सर, कोई सुविधा नहीं हुई। अगर कुछ भी सुविधा होती तो हम ऐसे तो नहीं बोलते। अब कुछ अगर सुविधा होती तो यहाँ पैसे भी ले लिए, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को, तो कुछ तो सुविधा करनी चाहिए सरकार को। यही सरकार की वो है, या बीमारी से मरना चाहेगा इंसान, इंसान तो वैसे ही मर जाएगा। यहाँ खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पानी तक भरने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले, और पैसे पहले आने से पहले पैसे ले लिए 710 रुपये सब इंसानों से। आपसे पैसे किस चीज़ के लिए? ये टिकट के, ट्रेन के। जैसा कि आप बताते हैं कि जिस तरह यात्री में पूरा आक्रोश, आइए हमारे साथ एक व्यक्ति और इनसे भी बात करते हैं, किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? बहुत दिक्कत करनी पड़ी, कोई बात द्वारा देखो बहुत दिक्कत करनी पड़ी मेरे को। मैं तो ये चाहता हूँ, जब तुमने ट्रेन भेजी थी बाइक आधा, उसमें सब सुविधा डॉक्टर लोगों की, नर्स वगैरह की सब सुविधा भेजनी चाहिए। मान के हालत में कुछ होता है इनको तो कोई संभालने वाला है? 30 घंटे किसको बोलते हैं? 30 घंटे बहुत बोलते हैं। छोटो हर कारोबार में एक स्टेशन पे मीडिया वालों को, इनको सबको लगाना चाहिए कि भाई तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? आज हमने ये तकलीफ झेली है, सब कल दूसरे आएंगे उनको क्या बीतेगी? किसी के महामारी में पैसे तो रखे नहीं, 1.5 महीने का लॉकडाउन हो चुका है, ऐसे नहीं है किसी पे। अगर पैसे की सवाल होती सब वही लोग गुजरात में खाते बैठते। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में यात्रियों ने काफ़ी आक्रोश है। आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, डॉक्टर होने चाहिए, अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? जनपद जौनपुर में 1200 यात्री उतारे जाएंगे, सबकी स्कैनिंग, थर्माकोल स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग के बाद जिसका टेम्परेचर अगर सही पाया जाएगा उसे उसके घर भेज दिया जाएगा, वरना सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। के न्यूज़ से अजीत गिरी, जौनपुर। भदोही के महाराजगंज थाना क्षेत्र में मिठाई लाल इंटर कॉलेज